अपने चैनल नरेंद्र विश्वकर्मा में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको पर्यावरण से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर आया हूँ आपके लिए। यदि आप वर्ग 3 एमपी टेट, यूपी टेट या किसी सीटीएट, किसी भी राज्य के टेट से संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और यदि आपके में पर्यावरण महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, जैसे आप वर्ग 3 है अर्थात प्राइमरी टीचर की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखें, आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आज का जो चैप्टर है यह मृदा संसाधन से संबंधित है कि मृदा संसाधन क्या है, इसकी मृदा अपरदन किसे कहते हैं और इसके रोकने के उपाय क्या हैं, संरक्षण के उपाय क्या हैं। तो देखें, जो मृदा संसाधन है यह एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय संसाधन है। मैंने आपको मृदा संसाधन और भूमि संसाधन ये दोनों अलग अलग बताए हैं। तो आप कहोगे सर, भूमि संसाधन मृदा संसाधन दोनों अलग कहती है। जो मृदा संसाधन होता है यह मिट्टी की जो ऊपरी परत को कहलाती है, वो मिट्टी की ऊपरी परत के निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं। तो मृदा संसाधन एक महत्वपूर्ण संसाधन, नवीकरणीय संसाधन है। इसकी ऊपरी परत का निर्माण होने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, जिसका निर्माण बहाव, तेज बहाव, मिट्टी के कटाव आदि के द्वारा होता है ऊपरी सतह के हटने से। तो ये हो गया मृदा संसाधन। अब मृदा संसाधन के बाद देखते हैं मृदा अपरदन। मृदा अपरदन कहलाता क्या है? तो मृदा का तात्पर्य मिट्टी, अपरदन का तात्पर्य हटना। तो तेज बहाव, तेज हवा, तेज हवा और पानी के बहाव के कारण मिट्टी की ऊपरी सतह का हटना मृदा अपरदन क्या कहलाता है? मृदा अपरदन। तो आपने देखा यहाँ पर ही मिट्टी शब्द का अलग प्रयोग किया, क्योंकि मिट्टी मिट्टी जो मृदा संसाधन है और आपकी भू संसाधन है अलग अलग है। भू संसाधन और मृदा संसाधन अलग अलग है, तो यहाँ पर इसलिए मिट्टी का प्रयोग किया गया कि जब मिट्टी की ऊपरी सतह हटती तो कहलाता है मृदा संसाधन। अब तेज हवा जैसे कि तूफान है, पानी की बहाव जैसे बाढ़ आती है, जैसे नाली यहाँ से गुजरती है तो बार बार गुजरने से यहाँ पर कटाव हो जाता है, इस कटाव को ही मृदा अपरदन कहते हैं। ये क्या कहलाता है? मृदा अपरदन। अब इसके बाद मृदा संरक्षण। संरक्षण कहलाता है किसी भी किसी के साथ संरक्षण लग गया तो उसका तात्पर्य होता है नष्ट होने से बचाना। संरक्षण का अर्थ क्या होता है? नष्ट होने से बचाना, होने से बचाना। तो यहां पर लगा है मृदा संसाधन, मृदा संरक्षण अर्थात मृदा को नष्ट होने से बचाना, मृदा अपरदन को रोकना मृदा संरक्षण कहलाता है। अब हम मृदा अपरदन को कैसे रोक सकते हैं और मृदा अपरदन के कारण क्या है? तो सबसे पहले हम देखते हैं मृदा अपरदन के कारण। मृदा अपरदन के कारण तो आप देख रहे हैं, जैसे कि हमने परिभाषा में लिखा, तेज हवा या पानी के बहाव के कारण मिट्टी की ऊपरी सतह का हटना मृदा अपरदन कहलाता है। तो इसका पहला कारण है तेज हवा या तूफान। तो तूफान अत्यधिक आता है तो मिट्टी की ऊपरी सतह हट जाती है। इसका दूसरा कारण है पानी का बहाव। पानी का बहाव होता है तो मृदा की ऊपरी सतह हो जाती है, वो हटने लगती है। तीसरा कारण है भूमि का खाली पड़े रहना। भूमि का खाली पड़ा रहना। जब भूमि खाली पड़ी रहेगी तो उसकी जो ऊपरी सतह होती है हटने लगती है, ऐसे मृदा अपरदन के कारण। अब हम देखते हैं मृदा संरक्षण अर्थात मृदा को नष्ट होने से कैसे बचा सकते हैं।
तो मृदा संरक्षण के निम्न कारण है। सबसे पहले तो हमें वृक्षारोपण करना चाहिए। जो वृक्ष होते हैं वह भूमि की सतह को पकड़ जकड़े रहते हैं, इसलिए मृदा अपरदन क्या होती है, वह गिरावट आती है। तो पहला क्या आपको क्या करना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए। दूसरा क्या है इसका कारण बचाने का उपाय, सीढ़ीनुमा खेती करना चाहिए। अब सीढ़ीनुमा खेती क्या होती है, जैसे हम सीढ़ी चढ़ते हैं इस प्रकार की खेती की जाती है पहाड़ी इलाकों में, ऐसी से सीढ़ी बना के टाइप पर खेती की जाती है। इसके बाद ऐसी सीढ़ी रहेगी, अर्थात ढला ढाल है, उस पर ऐसे क्यारियां ना काट के खेती की जाती है, जैसे सीढ़ी रहती है, इस प्रकार की खेती की जाती है। इस प्रकार की क्या करना चाहिए, खेती करना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए, सीढ़ीनुमा खेती करना चाहिए, भूमि को खाली नहीं छोड़ना चाहिए, खाली नहीं छोड़ना चाहिए। तो यह थे मृदा संरक्षण के उपाय। तो एक बार और देखते हैं मृदा अपरदन किसे कहते हैं। मिट्टी की ऊपरी सतह का तेज हवा व पानी के बहाव के कारण हटना मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा संसाधन कहलाता है। मृदा संसाधन एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय संसाधन है, जिसकी ऊपरी परत बनने में लाखों वर्षों का समय लगता है। मृदा संरक्षण कहलाता है। मृदा अपरदन को रोकना मृदा संरक्षण कहलाता है। मृदा अपरदन के कारण है पानी का बहाव, भूमि का खाली पड़ा रहना, और भूमि का खाली पड़ा रहना, पानी का बहाव, तेज और तूफान, ये क्या है, मृदा अपरदन के कारण है। मृदा संरक्षण के उपाय है वृक्षारोपण, वृक्षों का रोपण, सीढ़ीनुमा खेती, भूमि को खाली नहीं छोड़ना चाहिए, यह थे मृदा संरक्षण के उपाय। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी साथियों।